अगर आप भी ये चावल खाने के शौकीन तो हो जाएं सावधान। नकली दूध नकली तेल के बाद अब नकली चावल ने दे दी बाजार में दस्तक। प्लास्टिक के अंडे के बाद अब प्लास्टिक के चावल से मचा हड़कंप। खाने के बाद उल्टी और पेट दर्द से लोग परेशान। क्या जमाना आ गया है, नकली दूध से लेकर मिलावटी तेल तो बाजार में बड़े आराम से बिक ही रहा है, अब तो चावल भी नकली आ गया है। जी हाँ, झारखंड के झरिया के भौरा में सरकारी दुकान में मिले चावल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार चावल में प्लास्टिक मिला हुआ है। ये चावल बनाने में भी अजीब सा है, इसलिए इसे खाने में भी डर रहे हैं। भौरा 4 नंबर डुमरी स्थित देव पूजन रजक जन वितरण प्रणाली में प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर लोगों को परेशान किए हुए है। ये है प्लास्टिक चावल। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्लास्टिक चावल है। आप फिर देख लीजिए कि दोनों चावल में क्या अंतर है। एक ये चावल है, दूसरा ये चावल है। कोटेदार की दुकान से प्लास्टिक के चावल की बात सामने आने के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं। लोगों का कहना है कोटे के चावल में मिले अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। इनका आरोप है कि जब इसे पकाया जा रहा है तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। लोग इसे प्लास्टिक का चावल कहकर अब खाने से मना कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला भौरा 4 नंबर डुमरी से जुड़े कोटेदार के यहाँ का है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटे की दुकान से जो चावल मिल रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल के दाने मिले हैं। ये खबर फैलते ही कुछ ही देर में गाँव में हड़कंप मच गया। भौरा डुमरी 7 नंबर इंदिरा बस्ती के निवासी मिश्रीलाल इसे मिलावट चावल बता रहे हैं। प्लास्टिक तो है, मिला हुआ चावल है, इसमें प्लास्टिक का चावल मिला हुआ है। चावल में प्लास्टिक के चावल का दाना मिले होने की बात से लोग सकते में आ गए हैं। उन्होंने बताया इसे खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और दस्त होने लगा है। खबर मिलने के बाद जो लोग दुकान से चावल ले गए थे वो भी वापस चावल ले आए और दूसरों के चावल से मिलान करने लगे। जब अन्य लोगों के चावल में भी मिलावट के चावल दिखाई दिया तो लोग गुस्सा गए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले राशन दुकान से इस तरह का चावल का वितरण कभी नहीं हुआ है। कार्डधारी विजेंद्र ठाकुर ने बताया इसमें प्लास्टिक का चावल मिला हुआ है, खाने में कोई स्वाद नहीं है, साथ ही बच्चे को खिलाने पर वो बीमार भी हो सकते हैं। मिश्रीलाल, दीपक लाल, निमय लाल, सृष्टिधर बाउरी सहित अन्य लोग कोटे से चावल लेकर आए थे। घर में जब उस चावल को बनाकर खाया तो वो प्लास्टिक जैसा निकला। उनका कहना है कि ये चावल हम लोग खाएंगे ही नहीं, क्योंकि इस चावल के खाने से हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। झरिया सीओ प्रवेश कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का जो मामला है मेरे पास अभी तक नहीं आया है, अगर इस तरह का मामला आएगा तो जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की सरकारी दुकान है उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा सबसे पहले। और हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, आप ही के माध्यम से जानकारी मिल रही है। और जहां पर है भौरा के बारे में तो यदि आप डिटेल बताएंगे तो हम लोग उसकी जांच कराएंगे और जांच करके जो नियमता कार्रवाई है वो किया जाएगा। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर।